बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रेप क्लास बरोज हफ्ता 5 सितंबर 2020। आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर है 22। पढ़ाई किताब सफ़ा नंबर है 62। क्लास दोहराई किताब सफ़ा नंबर है 33। क्लास 34 ये हम पहले कर चुके हैं, तो काइंडली पेरेंट्स एक दफ़ा फिर से बच्चों को ये घर में करवा दें ताकि अच्छे से दोहराई हो जाए। क्लास वर्कबुक सफ़ा नंबर है 40+43। तो सबसे पहले हम अपना उर्दू कायदा ओपन करते हैं। सफ़ा नंबर है इसका 62। तो देखते हैं आज हमारा उनवान क्या है, अल्फाज मुतजाद। ये हम लोगों ने कल इसकी अल्फाज मुतजाद की मैचिंग की थी और मैंने आपको बताया था कि अल्फाज मुतजाद किन को कहते हैं। कोई भी एक लफ्ज़ हो उसके जो उल्टे एक लफ्ज़ होता है उसको हम लोग मुतजाद बोलते हैं। तो आज हम इनकी पढ़ाई करते हैं। बे रे अलिफ़ा बड़ा, इसका मुतजाद क्या है, छवा छोटे अलिफ़ा छोटा। ये देखें बड़ा का उल्ट क्या है, छोटा, तो ये बड़ा का मुतजाद हुआ। हे अलिफा थर छोटी थी हाथी, बेड़ अलिफड़ा बड़ा, हे बड़िए है हाथी बड़ा है। अलवा औरे और, चे पेशवा चू, हे अलिफा चूहा। छवा छोटे अलिफ्टा छोटा, हे बड़िए है और चूहा छोटा है। हाथी बड़ा है और चूहा छोटा है। ऐसे ही आप लोगों ने ये जो बाकी है सारा बच्चों को घर में जोर तोर के साथ रीड करवाना है। अब हम उर्दू वर्कबुक का काम करते हैं। इसका सफ़ा नंबर है 40। तो देखते हैं हमारा उनवान क्या है, अल्फाज मुतजाद। अभी हमने रीडिंग भी की है तो आप लोगों ने देखा है कि अल्फाज मुतजाद किन को कहते हैं। दी गई तस्वीर की मदद से मुतजाद लिखें। ये आप देखें इधर तस्वीर दी गई हैं तो इनकी मदद से हम लोगों ने मुतजाद लिखने हैं, आपको तस्वीर से भी पता चल जाएगा। और इधर ये अल्फाज मुतजाद दिए भी गए हैं तो इनकी भी हम लोग मदद ले सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है बेड़ अलिफड़ा बड़ा, तो इसका मुतजाद क्या होगा ये आप लोग तस्वीर से भी देख के बता सकते हैं, छोटा। बड़ा का मुतजाद क्या है, छोटा। छहवा छोटे अलिफ्टा छोटा, पहले हम छह का सिरा बनाएंगे, चे के साथ दो चश्मी हे को मिलाएंगे, इसके साथ अब वाओ को मिलाया, वाओ की फीलिंग, और टे अलिफ्टा, तो ये क्या बन गया, छोटा। बड़ा छोटा। उसके बाद है ये देखें ये कोट बिल्कुल साफ़ है ना, तो यहाँ पे हम लोग साफ़ लिखेंगे, स्वात अलिसा फे साफ, स्वात का सिरा बना के इसके साथ अलिफ को मिलाया फे। साफ का मुतजाद क्या होगा, यहाँ पे ये देखें ये कोट बिल्कुल साफ़ है तो यहाँ पे ये तस्वीर में ये गंदा हुआ है, तो साफ़ का मुतजाद क्या हुआ, गंदा। गाफ नून गंदा अलिफ दा गंदा, पहले आप लोग गाफ का सिरा बनाएंगे, इसके साथ नून को मिलाएंगे, नून जो है वो आप लोगों ने ऐसे लाइन पे लेके जानी है, आप इसके साथ दाल को मिला देंगे ऐसे, अलिफ गाफ नून गंद अलिफ दा गंदा, साफ गंदा। उसके बाद ये तस्वीर में देखें ये दिन है तो यहाँ पे हम लोग दिन लिखेंगे, दाल जेर नून दिन। अब यहाँ पे ये तस्वीर में देखें ये दिन था ना, अब यहाँ पे तस्वीर में रात है तो दिन का मुतजाद क्या हुआ, रात, रियली फ्रात ए रात। अब ये तस्वीर में देखें इसके मुताबिक हम यहाँ पे लिखेंगे हल्का, हे लम हल्का फल्फ का हल्का, पहले हे उसके साथ लाम का सिरा मिलाया, अब इसके साथ का फल्फ का, अब यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ है, यहाँ पे गुब्बारा था ये हल्का होता है, अब ये गमला तो ये क्या होता है, भारी होता है। हल्का का मुतजाद क्या हुआ, भारी, यहाँ पे लिखा हुआ है अलबा रे छोटी हेरी भारी, यहाँ पे ये है गरम, यहाँ पे क्या आएगा, गरम, गाफ रे मिमरम गरम, गाफ का सिरा इसके साथ रे को मिलाया, अब इसके साथ मीम गरम। अब यहाँ पे ये देखिए ये देख थी वो गर्म होती है, यहाँ पे ये जूस है वो ठंडा होता है, तो गर्म का मुतजाद क्या हुआ, ठंडा, ठनुन ठंडा लिफ्टा ठंडा, टे के सिरे के साथ हम लोग दो चश्मी हे को मिलाएंगे, इसके साथ नून का सिरा वो लाइन पे ऐसे लेके जाएंगे और इसके साथ डाल, ये क्या बन गया, ठंडा। ये थे हमारे अल्फाज मुतजाद। ये हमारा अगला पेज है सफ़ा नंबर 43। आप देखते हैं इधर हमारा उनवान क्या है, अल्फाज मुतजाद दोहराई, जो हम अभी हमने सफ़ा नंबर 40 पे किया है काम वही है, इसकी अब यहाँ पे दोहराई आ गई है।
तो काइंडली पेरेंट्स एक दफ़ा वो करवा के यहाँ पे बच्चों को करवाएं ताकि उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और एक दफ़ा आप इनको नोटबुक पे भी करवा सकते हैं ताकि मज़ीद अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अल्लाह हाफिज़।